जी अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है जी। आज मैंने कहा आप दोस्तों को ना ज़रा बताऊं। मैंने कहा जी तमाम दोस्तों को जो है ना वो मैं बता दूँ कि काम क्या करता हूँ। हर बंदा पूछता है कि अब साहब यार आपको एक साल हो गया, दो साल हो गए इंडिया चिकन ट्रेन दिया, तो आप काम क्या करते हैं? तो काम के वाले से हैं जी। आज आज का ब्लॉग मैंने कहा के बना के ना आपको दिखाता हूँ कि क्या करता हूँ। अभी मैं स्टेशन पे हूँ, जा रहा था काम की तरफ, घर गया हुआ था, तो महीने में एक दफ़ा मुझे ना घर जाना होता है, तो अभी 15 दिन बाद भी चला जाता हूँ अगर ज़रूरी हो तो। चलें आपको थोड़ा सफ़र दिखाऊँ अपने काम तक पहुँचने का, तो बाकी आपको सरप्राइज़ देना है मैंने। तो किसी बंदे ने अगर गलत कॉमेंट किया ना कि आप सब ये क्या है, तो फिर बात हो गई आपसे। तो चलें थोड़ा सा ब्लॉगिंग और उसके बाद बताता हूँ कि मैं इधर काम क्या कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, तो अपना सफ़र शुरू हो गया, घर में बैठा हुआ था तो अचानक से ना एक कॉल आ गई। तो एक चाचा जी थे हमारे साथ, इरफान जिनका नाम था, अब सब उनको जानते हैं ना, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि हफ साहब इस तरह ना समंदर के ऊपर काम है और वहाँ पे जो है ना वो 1000 या 1200 यूरो सैलरी होगी, तो आप कोई आपका दोस्त है जिसको आप वहाँ पर काम पर भेजना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप ख़ुद वहाँ पे ना काम पे चले जाएं। तो मैंने कहा यार मैं तो अभी ना स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और ना लाइसेंस लेके इंशाल्लाह फिर मैं काम पे जाऊँगा। तो वो कहता यार काम बहुत अच्छा है, वहाँ पे दोस्त हैं अपने और 3 से 4 घंटे काम होना है और कॉन्ट्रैक्ट लगाएगा आपका, तो आप वहाँ पर चले जाएँ तो आपका फ़ायदा होगा, साथ साथ में पढ़ लेना। तो मैंने जनाब वहाँ से फिर जो है ना वो सोचा और सुबह को मैंने ना उसको कॉल कर दी जी ठीक है मैं चला जाता हूँ वहाँ पर। तो घर से निकला, ट्रेन पकड़ी, अपने कैंप वालों को बताया और वो कहते हैं जी ठीक है आप जाएं काम करें। तो वहाँ पे मैं ना पहले एक फौजा शहर है वहाँ पे आया, वहाँ से फिर जनाब बस चेंज की और अगले शहर में गया, सन सेरनो उसका नाम है, वहाँ से फिर एक बस चेंज की और वहाँ से बस जो है ना उस पर मैं बैठा और उसने मुझे जाके जहाँ पर हमारा समंदर है ना बीच, वहाँ पर उसने उतार दिया। अभी मुझे नहीं पता था किस तरफ जाना है, तो मैं पहला जो स्टाफ था वहाँ पर उतर गया और फिर चलता गया, तो वो शहर के अंदर ही ना एक जगह पे बोर्ड लगा हुआ था बीजीज़ का, वहाँ से फिर मैंने चलना शुरू किया और सीधा जो है ना वो उन बीचज़ की तरफ चला गया कि मैप पे मैंने देख लिया कि बीचज़ किस तरफ है। वो भाई कहते हैं कि यार आप ना बस आ जाएं, वो मेरे साथ रबते में थे हाफिज़ाबाद के थे भाई जो इधर काम कर रहे थे ना, तो यहाँ पे लीडो जो है ना वो बीच को कहते हैं, जिस तरह इंग्लिश में बीच है इस तरह इटालियन में लीडो कहते हैं या मारा कहते हैं, मारे। तो वहाँ से जनाब जब मैं वो उसका जो सड़क थी ना वहाँ पे मैं एंटर हो गया और मैंने देखा तो बड़ा ही दिल खुश हुआ। मैंने कहा आज का ब्लॉग एक और मज़ेदार दिलचस्प और किरकिरासा है, तो आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं काम क्या करता हूँ, और मैं यार पहले नहीं बताना चाहता था लेकिन आप दोस्तों ने पूछ पूछ के अब सब दसो तुम उत्थे वेले ही रहते हो, तुम काम कहड़ा करते हो, की करते हो, की नहीं करते। तो अभी आज मैं आपको फिर ये ना राज का पर्दाफाश कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सी वजूहत थी जिसकी वजह से जो है ना वो मैं नहीं बता पा रहा था कि मैं काम करता हूँ या नहीं करता। जो भी पूछता था बस यही कहता हूँ कि यार काम नहीं कर रहा अभी, बस वेल ही हूँ। तो कौन सा काम है दिखा दो फिर, चले हो जाते यार आ जाए। अपना जनाब लीडो जिसको बीज कहते हैं वो ढूंढता हुआ मैं ना एक सड़क थी वहाँ पे निकला और जाके अपना बीज ढूंढ रहा था। अब यहाँ पे लोग आ रहे थे जनाब, वो ना मैं भी देख के हक्का बक्का, मैंने कहा यार ये मैं किस तरफ आ गया कसम से, इतनी प्यारी खूबसूरत जगह थी, क्योंकि इतना प्यारा व्यू था, मैं आपको लफ्ज़ों में कैसे बताऊँ आपको। इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ इस पर बनाता रहूँगा, बीज पर आ गया हूँ। तो कोई बंदे ने ये नहीं कहना कि अभी साहब आप जो है ना वो सेक्सी वीडियो लगा रहे हैं या आप गंदी वीडियोज़ लगा रहे हैं, यार देखो अब मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ का कल्चर जिस तरह का है तो इन लोगों को फील नहीं होता। तो जब हमने 10-15 दिन इनमें रहना है फिर हमें भी फील नहीं होना, तो ठीक है। ये देखें लीडो रोसा, मतलब के ये बीज रेड कलर का बीज इस तरह के इन्होंने नाम दिया हुआ है। तो ये इतनी प्यारी पार्किंग थी, इतना प्यारा इसका व्यू था और जनाब लोग यहाँ पर आते हैं अपना इंजॉयमेंट करते हैं। तो मेरा अभी पहला चांस था इटली में किसी भी बीच के ऊपर, तो मैं अंदर ही एंटर हुआ ना जैसे ही, तो वहाँ पे जनाब वो पता नहीं ये किसी और बंदे का था, हमारा नहीं था, मैं लोकेशन ने मुझे रास्ता इसके अंदर से गुजरने के लिए दिया ना अपने बीच पे जाने के लिए। तो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, मैं देख एक शर्मा भी रहा था और मैं साथ साथ ना वीडियो भी बना रहा था कि यार कोई बंदा ये ना कह दे कि आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हैं।
तो फिर भी मैंने कहा कि यार अपनी जो मेरी YouTube की फैमिली है उनके साथ मुझे करना चाहिए ये सारा शेयर। तो ये यहाँ पे ना कुछ मित्र जो है ना इंडियन, वो इस बीच के ऊपर काम करते थे, तो मैं वहाँ से गुजरा और जो है ना लोग बैठे हुए हैं जनाब, वो अपनी चश्मास ले रहे हैं और बड़े बेहतरीन जगह है रेत को जनाब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तय लगाया हुआ है, उसको पंद्रह किया हुआ है, लेवल किया हुआ है। और गर्मी अंत की थी तो पसीना भी आया हुआ था और मैं सुबह 4 बजे का जनाब घर से चला हुआ यहाँ पे 1 बजे पहुँचा और 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 9 घंटे मेरा सफ़र रस्ते में ही जो है ना वो हो गया। मैंने कहा चलो जी पहुँच तो जाना ही है, अल्लाह ख्याल रखे तो फिर वहाँ पे जाकर जो है ना वो अन्नी पा देंगे। तो लोग बस आ रहे थे जा रहे थे, तो मैं ज़्यादा ऊपर करके कैमरा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि यार मुझे ना शर्म आ रही थी, अगर सच्ची पूछते हैं ना लोग ये कहेंगे कि यार आप सब आपने जो है ना वो हाफिज़ हो गए। पहले भी मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं लेकिन अभी मुझे इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जिस माहौल में हो, मैंने तो आपको वही दिखाना है कि जो यहाँ पर है। अब ये नहीं कि मैं यूरोप में बैठ कर आपको खाना काबा दिखा दूँ या आपको मैं रोज़ा रसूल दिखा दूँ, यहाँ का जो कल्चर है जो यहाँ पर लोग करते हैं मैंने तो आपको वही दिखाना है। जिसको अच्छा लगता है वो देख ले, जिसको अच्छा नहीं लगता वो उसकी मर्ज़ी है, वो देखे ना देखे अनसब कर दे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको दिखाना है कि यार मैं किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। तो जिसको शर्म आती है, जो फैमिली वाले देखते हैं वो बेशक ये 1 से 2 माह 3 माह तक मेरा चैनल बिल्कुल ना देखें क्योंकि उसके ऊपर वीडियोज़ अभी बीचेस की ही आनी है क्योंकि मैंने यहाँ पर काम करना और काम करने के बाद फिर इधर ही रहना है, तो जाहिर है अगर इधर रहना है तो फिर वीडियोज़ भी यहाँ की बननी है। तो मैं देख रहा हूँ और बड़ा ना सोच में हूँ कि यार ये कितना प्यारा एक मंज़र आ गया और लोग यहाँ पे इंजॉय करते होंगे। तो कैसे जनाब जोड़ियाँ और टोले जा रहे हैं हाथों में आंड डाल के और जनाब वो टीटो पार्टियाँ करते हुए, तो मैं इनके पीछे तो मैंने वीडियो बड़े बड़े कहो अल्लाह आए हुए। तो ये जनाब हमारा बीच है जहाँ पर मैं काम करता हूँ ना, ये सारे कंट्रीज़ जितने भी यूरोपियन हैं जहाँ से टूरिस्ट आते हैं ना वो यहाँ पे आके अपना जनाब टीटो पार्टियाँ करते हैं, नहाते हैं, इंजॉय करते हैं, फ्रेश होते हैं। और यकीन करें जब यहाँ पे आके वो बैठते हैं ना तो एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है कि यार बंदा जैसे पूरी दुनिया से अलग थलग बैठा हुआ है, समंदर की जो लहरें हैं उनकी आवाज़ें आती हैं, अच्छा सा एक म्यूज़िक बना होता है और बंदा अपनी सोच में ही गुम होता है। और गुम क्या होता है कि जनाब वहाँ पर बस बंदा ना देखता ही रहता है कि यार कितना प्यारा कुदरत का नज़ारा है। और ये अभी यहाँ पे मैं ना एक काम करता हूँ, ये वो सामने छतरी है ना उनको खोलना होता है और ये वाला जो है नीचे पड़ा हुआ है सिस्टम, इसको तरतीब देना होता है। तो मैं यहाँ पे पहुँचा और पहुँचते ही फिर मेरा रबता हुआ दोस्त से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बीच है, ये मैं हूँ और यहाँ पे हम काम करते हैं। हाँ जी, तो आपको देखा होगा जैसे कि मैं छतरियाँ खोल रहा था, तो मेरा सारा दिन का काम यही है कि छतरियाँ खोलनी है, छतरियाँ बंद करनी है, छतरियाँ खोलनी है, छतरियाँ बंद करनी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये चेयर है, इस पर बैठते हैं और इसके ऊपर लेटना होता है, ये वाला जो है तो इसको फिर खोलना होता है। जब कोई बंदा वगैरह आ जाता है तो उसको छतरी खोल के देते हैं, तो वो फिर अपना ये बैठ जाए या उसके ऊपर लेट जाए। और साथ में अब देख लें कैसे ठाठे मारता हुआ समंदर है, ठंडी हवा चलती है, लोग यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं और हम यहाँ पे काम करते हैं। तो आपने देखा है कि छतरियाँ में खोल रहा था, तो अभी काम मैंने सुबह सुबह का टाइम है स्टार्ट किया है, छतरियाँ और खोलनी है। एक ये पोर्शन है, ये मतलब फैमिलीज के लिए और बच्चों के लिए। तो ये जो एरिया है ये अडल्ट्स लोग मतलब के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए अलहदा सी ये जगह बनाई हुई है। तो अभी इधर भी खोलनी है, जाने मैं एक दफ़ा ज़रा सारी छतरियाँ खोलता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा और फिर डिटेल से बताऊंगा कि ये समंदरों का जो काम होता है वो उस पर सैलरी कितनी मिलती है और काम कितना मुश्किल होता है, मिलता कैसे है। चले मैं फिर थोड़ा सा काम कर लूँ। तो आया जनाब पहले दिन यहाँ पे मैंने काम किया, ये छतरियाँ वगैरह खोली और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि मैं काम क्या करता हूँ। तो वो मैंने चेक करवाया तो जनाब अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसने मेरा 1 माह का जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया कि ये बंदा मैं पसंद है, ये काम करेगा हमारे लिए। तो मेरी यहाँ पर जॉब हो गई,
और यहाँ पे काम का क्या सिलसिला है कि आपको 1 महीने बाद आपको पैसे मिलने हैं और आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कि आपको लीगल है या इलीगल है उससे नहीं टेंशन होती। तो खैर काम जो है वो आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पे अगर 1,000 यूरो आपकी सैलरी लगती है ना, तो आपका 1,86,000 रुपया पाकिस्तानी बनना है। तो भी माशाल्लाह मेरी 1,200 यूरो लग गई है, तो ये 2 लाख से 2.25 लाख के राउंड अबाउट जो है वो बन जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पहला काम अल्लाह ताला ने दिया है, और वो भी इतना ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सा है कि यहाँ पे दिल लगा के भी काम करूँगा। तो अभी फिर मैं वो भाई जो है ना उसका मैंने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा यार बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए काम निकाला और आपने मुझे मोटिवेट किया कि अब साहब काफ़ी अरसा हो गया है आप बैठे हुए घर में काम नहीं कर रहे, आ जाए आके काम करें। तो फिर मैं इधर आ गया और इतना ईजी काम है यकीन करें कि एक तो लोगों को जो है ना वो यहाँ पे मतलब कि बंदा वो आपने अगर फिल्म देखी हो ना वो जो अंग्रेज थी उसमें कहते हैं जान जी हाँ भाई थोड़े हंसियाँ खेडियाँ, तो हंसियाँ खेडियाँ भी हो जाती हैं साथ में और काम भी हो जाता है। और इसी जो है ना वो कश्म कश्म में दिन गुजर जाता है और मेरे रात को सो जाते हैं सुबह उठ के फिर 7 बजे जो है ना वो काम स्टार्ट हो जाता है। वो भी समंदर के बिल्कुल किनारे के ऊपर है और सोना भी किनारे के ऊपर है, सारी रात जो है वो आवाज आती रहती है समंदर की। तो इधर ही जो है ना वो चश्मा से लगी होती है। अब मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं, खैर है ये 2-3 माह है तो समंदर पे जी भर के जो है ना वो एंजॉय करता हूँ। तो इंशाल्लाह ऐसी अभी वीडियो जनाब आएगी। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ फैमिलीज वाले जो भाई हैं जिन्हें जिन्हें माल चाहिए जो बच्चे हैं या खवातीन हैं वो जो वीडियोस देखते हैं तो प्लीज शेयर ना करें, देख के चाहे तो मंजियां नहीं लगदी यानी कुर्सियां नहीं लगदी सही है, क्योंकि अभी सिर्फ एक छतरी मंजी नाल कुर्सी जड़ी है वो इधर 20 रुपये किराया आंदा दिहाड़ी दा। तो जाहिर है यहां पे लोगों ने शॉर्ट्स पहने होते हैं और नहाते होते हैं बहुत गर्मी तो बंदा अच्छा नहीं लगता। चले इंशाल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग और प्यारी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, देखते रहें यूरोपियन ओ टीवी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ओके अल्लाह हाफिज़। ये लोग यहां पे आके नहा धो लेते हैं और हम लोग